औद्योगिक नगरी पीथमपुर में 25 लाख की बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही लाखों रुपए का चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। पीथमपुर CSP तरुणेंद्र सिंह बघेल ने खुलासा करते हुए बताया कि पीथमपुर के सेक्टर 3 स्थित 2 आयसर ट्रक इंदौर प्लास्टिक कंपनी से माल ले जाते हुए दिखाई दिए। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में CSP पीथमपुर तरुणेंद्र सिंह बघेल ने इसे चुनौती के रूप में लिया और टीमें बनाकर चोरों का सुराग लगाने में जुट गए और वीडियो फुटेज के आधार पर सोनेट कार को रात्रि के फैक्ट्री क्षेत्र में घूमते देखा था। उक्त कार सुशील अग्रवाल निवासी बेटमा की पाई गई। जब पूछताछ कर जांच की गई तो पुलिस ने चोरी किया गया सामान पुलिस ने बरामद किया। पकड़े गए आरोपी सुशील अग्रवाल पिता मोहनलाल निवासी बेटमा से पूछताछ की गई। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 आरोपी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। बताया सर, आज जो चोरी क्या किसके पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 9/9/21 को इंदौर प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड में गार्ड को बंधक बनाकर अज्ञात बदमाशों ने फैक्ट्री से डाई और अन्य सामान की चोरी की थी और इंदौर प्राइवेट लिमिटेड प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड प्रवीण घोसला का है, जो बापट चौराहा इंदौर में रहते हैं। इनकी प्रवीण घोसला की रिपोर्ट पर थाना पीथमपुर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और चूंकि मामला बहुत गंभीर था, 20 लाख के आसपास की चोरी थी, इसको पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह को बताया गया। आदित्य प्रताप सिंह पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठन किया जिसमें तारे सोनी और उनके स्टाफ को लगाया गया। ये पूरे प्रकरण में CCTV फुटेज खंगाले गए, मुखबिर लगाए गए, अंततः ये अपने बेटमा के 2 व्यक्ति जो इसको पायलटिंग कर रहे थे वो सामने आए, जिनको तत्काल पुलिस ने सुशील अग्रवाल और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की गई तो बेटमा के ही आरिफ और फारूक इनका नाम सामने आया। आरिफ पकड़ा गया, फारूक फरार है अभी। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने चंदन नगर में अजहर और फैजान को माल देना बताया। पुलिस ने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए पूरा 20 लाख का डाई बरामद कर लिया है। अभी तक 5 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें सुशील अग्रवाल, आरिफ, सद्दाम, अजहर और फैजान हैं। और फैजान और अजहर चंदन नगर के हैं और 2 आरोपी इसमें फरार हैं, जिसमें शकील राणा और फारूक है। शकील राणा सागौर और फारूक बेटमा का है। चूंकि मामला बहुत ही गंभीर किस्म का था, डाई से संबंधित था, तो इसमें इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी तारे सोनी और उनके थाने की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और जिन्हें पुरस्कृत करने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक को लेटर भेजा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।